लेकिन जब वो वहाँ से स्कूटी लेके यहाँ से निकल रहा था घर के आगे से, तो यहाँ उन्होंने दोबारा उसको घेर के और गिरा दिया नीचे। उसको चोट भी लगी है, उसकी डिक्की में पता लगा था 1.5 लाख रुपये हैं और उसकी स्कूटी छीन के भाग गए। और उसकी गाड़ी भी ले गए, और जो गाड़ी पे वारदात करने आए थे वो गाड़ी छोड़ गए अपनी, और अपनी गाड़ी छोड़ गए, उसकी गाड़ी ले गए, अपनी गाड़ी छोड़ गए थे, वो भी चोरी की थी। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। दिल्ली में जो है आए दिन अपराधों की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, फिर चाहे वो लूटपाट की घटना हो, चोरी की घटना हो या किसी को जान से मार देने की, ये घटनाएं जो है इन पे रुकने का कोई नाम नहीं है और ये आए दिन बढ़ती ही जा रही है। इन घटनाओं पे दिल्ली पुलिस जो कार्यवाही करती है वो हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। बहुत ही कम ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कोई आरोपी पकड़ा जाए। ऐसी ही एक घटना सामने आई है गीता कॉलोनी के इस इलाके से, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस इलाके में एक स्कूटी सवार को 3 लुटेरे घेर लेते हैं और उसको उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो स्कूटी चोर थे, जिन्होंने स्कूटी चोरी करी है उनकी, वो उनका काफ़ी देर से पीछा कर रहे थे और शायद उनकी नज़र उनके पास जो 1.5 लाख रुपए थे उन पर थी। उनके 1.5 लाख रुपए भी उन्होंने चोरी कर लिए और उनके साथ लूटपाट करी। इसी मामले में हम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अगर उन्हें कुछ पता हो इस बारे में। जी सर, हमें सुनने में आया कि जो इस चौक पे हम जिस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर अभी एक घटना घटी जिसमें कि कैसे चोरी की हमें वारदात सुनी है, तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? वो ये है कि एक लड़का अपनी पेमेंट लेकर आ रहा था, पहले गांधीनगर में उसको टक्कर मारी है 3 लड़कों ने, वहाँ से लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो वो चले गए। लेकिन जब वो वहाँ से स्कूटी लेके यहाँ से निकल रहा था घर के आगे से, तो यहाँ उन्होंने दोबारा उसको घेर के और गिरा दिया नीचे। उसको चोट भी लगी है, उसकी डिक्की में पता लगा था 1.5 लाख रुपये हैं और उसकी स्कूटी छीन के भाग गए। तो फिर मतलब आपने वो देखी थी घटना होते हुए? ना, बस जिस टाइम घटना हो चुकी थी उसके बाद ही हम घर से शोर मचा तब हम बाहर आए। तब क्या मैं जान सकती हूँ उस वक्त टाइम क्या हो रहा था? 6:30 बजे तो अंधेरा हो गया था करीब, हल्का सा धुंध का अंधेरा था। वो यहीं इसी जगह पे वारदात हुई है, बिल्कुल घर के आ गई। तो इस मामले में पुलिस को आप देखी, पुलिस को कार्रवाई करते हुए आप? हाँ, ACP DCP सब लोग आए थे, SHO वगैरह सब कार्रवाई की। आस पास जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उन्होंने उसमें जाके चेक किया और उसमें उन्होंने वारदात को देखा है कि भाई 3 लड़के किस तरह से मतलब उसको स्नैच कर रहे थे, वो चीज़ें घटना उसमें देखी गई है। अब आगे पुलिस कार्रवाई करेगी जैसा भी चाहेगी। तो आपको पता है वो कहाँ रहता है, वो जो जिसके साथ रहता है? कहीं ये मालूम है, ये मालूम नहीं, एड्रेस नहीं पता उसका। तो यानी वो इस इलाके का रहने वाला भी नहीं था? फ्रेजी का रहने वाला था। वो आपका कहना है कि वो पहले से ही जो चोर थे उनका पीछा कर रहे थे? पीछा कर रहे थे, उसका पीछा करते हुए वो आए गांधीनगर से, पहले वहाँ टक्कर मार के आए थे उसको। तो ये भी हो सकता है कि वो चोर उसके जान पहचान के हो? ये भी हो सकता है, तो पुलिस इंक्वायरी करेगी तब पता लगेगा। इस पर हम तो नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में। जी सर, जो हाल ही में आपके इलाके में जो वारदात सामने आई है उस पर आपका क्या कहना है? 3 लड़के आए थे स्कूटी पे, तो मैं वहाँ से आ रहा था घर से चल के, तो 3 लड़के आए तो उसको पहले टक्कर वक्कर मारी, तो टक्कर मारने के बाद वो गिर गए यहाँ पर। उसकी गाड़ी लेके जो पैसे छीन के गए जिनके, उसकी गाड़ी भी छीन के ले गए और गाड़ी और पैसे दोनों ले गए, दोनों ले गए और उसकी गाड़ी भी ले गए। और जो गाड़ी पे वारदात करने आए थे वो गाड़ी छोड़ गए अपनी, और अपनी गाड़ी छोड़ गए, उसकी गाड़ी ले गए, अपनी गाड़ी छोड़ गए थे, वो भी चोरी की थी। और वो फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया था, फिर कुछ पुलिस वालों ने इशू लिया था, फिर हमारे कैमरे से चेकिंग हुई थी थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद अब देखो क्या होता आगे। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उस जो गाड़ी में पहले तो एक गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई है, कार चोरी, इससे पहले भी इस इलाके में ऐसी घटनाएं हुई हैं? हाँ, होती रहती है, इधर पहले भी हो गई है, एक दो बारी पहले भी हुई है और यहाँ से गाड़ी चोरी हो गई है। तो इस घटना को सुनने के बाद आपको कितना ये इलाका जो है सेफ लग रहा है? सेफ नहीं लगता। हाँ, सेफ नहीं लगता, सेफ नहीं है। वैसे पूरी टीम आई थी, पुलिस की ACP भी आई थी, पूरी उनकी टीम आई थी, सारा चेक हुआ है, कैमरा वैमरा सब देखा उन्होंने। वैसे सर, सुनने में तो हमें ये आ रहा है कि उस जो वो स्कूटी है उसमें 1.5 लाख रुपए थे, वो उनका मकसद मेन जो था वो 1.5 लाख रुपए लेने का था, तो इस पर आपको पता है कुछ? नहीं, मैंने पैसे नहीं देखे उनके, सिर्फ हमने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी है गिरते हुए उनको यहाँ, और जो भागे हैं वहाँ इनको लेके, और उसके सिर उसके पीछे से पहले लगे हुए थे, वहाँ से जहाँ से उनने पैसे उठाए थे वहीं से पहले से लगे हुए थे उसके पीछे, फिर उसके बाद उसको यहाँ रोका गया है, फिर उसके बाद उसको यहाँ से मारा पिटाई करी है, फिर उसके बाद वो स्कूटी में यहाँ पे भी गिरे हैं, फिर उसके बाद वो
पिस्टल दिखा के भाग के गए हैं। पिस्टल थी उनके पास? दो पिस्टल थी, दो बंदों पे। एक बंदे ने हेलमेट पहना हुआ था और दो बंदों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। दो बंदों पे पिस्टल थी, फिर उसके पिस्टल की बट मारी है सर पे, फिर वो आगे भागते हुए भी है, फिर वो भाग गए। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो जिन्होंने करी है घटना, वो कहीं ना कहीं पीड़ित के जानकार थे, उन्हें पता था कि इसके पास पैसे हैं? ये तो नहीं पता। इस पूरे मामले में यहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस जो है वो उन्हें डिटेल्स लेती हुई दिखी है, लेकिन अभी तक हम आपको बता दें कि जो है आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। और इन लोगों का ये भी कहना है, इस इलाके में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और अब वो इस इलाके में बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करते। उनका कहना है कि इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था है जो वो बढ़नी चाहिए, और ये जो घटना है वो CCTV फुटेज में आ गई है, लेकिन अभी पुलिस ने जो आरोपी है उन्हें नहीं पकड़ा है। और देखने वाली बात ये होगी कि वो आरोपी जो हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे और कब जो है जो पीड़ित है उसके पैसे उसे वापस मिलेंगे और कब जो है उसे इंसाफ मिलेगा। दिल्ली से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप तेज़तर्रार ऐप को एंड्रॉयड यूज़र्स प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें और हमारी जितने भी न्यूज़ है वो ज़रूर देखें। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज़तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।